14 साल के लड़का मोबाइल में बोल आई लव यू टू। 12 बजे रात हम बोले बेटा ये लव या टू क्या हुआ रे, गुलगुलिया देखी आई किस लीन को देख के आई, डाकिन को देख के आई, रोड में चलेगा बल दिल दिया है जान भी दे। हम बोले दिल है दल दल, अरे निस्तार माना उना देख लेना लोग। हाँ नाम रखना सही रखना, नाम ठीक है आजकल तो ठीक है। अल्लाह पहले बुध दिना पैदा हुआ बुध हुआ, मंगर के पैदा हुआ मंगरा, यासीन में नाम पैदा हुआ यासीन हुआ, भादम पैदा हुआ भद हुआ। या अल्लाह है मालिक, गोड़ा में एगो बूढ़ा नाम 100% दिया, बोले चाचा आपका नाम क्या है, बोल गोबरा मिया। हम बोले या अल्लाह गोबर मिया कैसे होता है, हो गोबर गोठा होता था ये मिया कैसे होने लगा, गोबर कब से गोबर मिया, अगर गोबर मिया होगा तो गोठा खातून हो सकती है, चिपरी मानू हो सकती है, जब गोबरा मिया हो सकता है तो गोठा खातून का है ना हो सकती है। इसलिए लोगों नाम गलत ना रखो। मैंने कहा चाचा आपने अपना नाम बदल देता तो अच्छा रहता, ये गोबरा मियाँ ठीक ठाक नहीं लगता है। बोल हाँ बदल दिए, आधार कार्ड जब बन रहा था ना तो गोबरा मियाँ हटा करके बेंगा मियाँ डाल दिए। हम बोले गोबरे ठीक हलो बेंगा फूत का तो चटनी चलते और थोड़ी देर सुनोगे बेटा, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह। कितना हाथ है साफ हाथ में 200 करने कितना पैसा आ कहिए सुभान। माशाल्लाह बेटा मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के आ जाना। बहुत अच्छा सुना है यार बेटा, आने आने रास्ता छोड़ ना, रास्ता रे रास्ता छोड़ बेटा। की नाम लाल बेटा, अर्जुन, अर्जुन बहुत बढ़िया नाम है, पेशवा दिन तो जी रहे ना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब मोहब्बत नहीं, आजकल मोहब्बत को लड़का लोग क्या समझ लिया है। मोबाइल में परसों जा रहे थे एक जगह पारो के प्रोग्राम में, 14 साल के लड़का मोबाइल में बोल आई लव यू टू। 12 बजे रात हम बोले बेटा ये लव या टू क्या हुआ रे, बोले आप लोग मौलवी मौलाना नहीं समझिएगा ये अंदर की बात है। हम बोले बेटा थनवा में ले जाएगा तब ऊपर हो जाएगा, आई लव यू टू ये टू क्या, बोले तो नहीं मौलवी मौलाना नहीं जान भी ये हमने पढ़ा लिखा लागियो। अरे वाह, आई लव यू कहना गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अपनी बूढ़ी माँ को कह दे के कहे हे माँ आई लव यू, तेरा बेटा तुमसे इतना प्यार करता है कि तेरे चेहरे को देख के घर से निकल से पाक आई लव यू या रसूल पाक आई लव यू या रसूल पाक आई लव यू या हुसैन आजम आई लव यू। किचलिन को देख के आई लव, डाकिन को देख के अरे आई लव यू कहो तुम रसूल को, कहो या रसूल पाक आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ रसूल, इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लाए हुए तोहफे को नमाज को सीने से लगा के मस्जिदों में पांचों वक्त अदा करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, फुलगड़िया के नौजवान मुसलमानों, फुलगड़िया कितना प्यारा नाम है, फूल गड़िया तो नहीं फूल तो लो कुटू लेकिन तो नहीं मुरझा गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए बेटों को जाहिल रखोगे
तो गाने का अर्थ अलग हिसाब बैठाया है। हम लोग भी आई लव यू पढ़ते हैं, मैं भी गाड़ी में लिखा हूँ आई लव यू मोहम्मद मुसलमान। रोड में चलेगा बल दिल दिया है जान भी दे। हम बोले दिल है दल दल, अरे जहाँ तहाँ दिल क्यों देते हो? अरे दिल को रब ने बनाया है, दिल किसी और को मत दो, दिल रसूल पाक को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहाँ भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मसलक की लड़ाई मत लड़ो, आपस में पढ़ो। आपके मसलक आपको मुबारक हो, मेरा मसलक मुझे मुबारक। कोई झंडा लगाता है तो उसे बिदत कोई मत कहो, और जो नहीं लगाता उसको जबरदस्ती मत गड़वाओ। अपने अपने शौक है मोहब्बत अपनी अपनी। बेटा रे हम मौलाना नहीं लागी है, ये क्या मनी तकरी करो। सुभान अल्लाह। अच्छा कुटुंब में वो बात बोलियो, तोहर गांव में 10 टकिया 20 टकिया गाछ हो की? बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हाँ मजमा भी बढ़िया है, लेकिन ये टेप फरल हो तो सामने की। अरे माशाल्लाह ई चांद क्या नाम है बेटा? की नाम लागो? अरे चक्रवर्ती लगा दो रे, और जाके स्टेज पर डांस। मिथुन नाम ठीक ठाक रखो, यहाँ वो मीठा है, मिथुन मतलब मीठी चीज से रखा है। ए बेटा अरे हम मौलाना थोड़ा है, गोल पसार देगा मौली साहब तकरी करेगा ना बाबू, अब तो हम लोग बॉम्ब लेके चलेंगे, एक दू गो फेंक देबो सुभान अल्लाह ने को। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस चनम पहली बार 100 टकिया देख लो कुटुम्ब, बड़ी खुशी लागल बेटा देख लो। 200 रुपया दे दिया था धनबाद जिला में, थर थरी उठ गया था यार। 500 परसों रामगढ़ में दे दिया था, कोम वोम चले गए, फिर पानी उनी छीट के उठाया। बहुत है सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था मदेर सरकार का ये महीना है, कहिए सुभान अल्लाह। रसूल की आमद धरती पे हो गई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टाका कोड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते घर चला जा, माँ बाप है उनकी खिदमत करना, सेवा करना, उनका चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों याद रखना, जब तुम पढ़ोगे तो कुरान को पढ़ोगे, जब कुरान पढ़ोगे तो समझोगे, और जब मारा रबी अव्वल का महीना आएगा, सड़कों पे झंडा लगाओगे, फुलझड़ी लगाओगे। झंडा लगाना बिदत नहीं, फुलझड़ी लगाना बिदत नहीं, बल्कि ये तरीका है, मुबाह है, इसको लेके खुशी मनाने का है। जब खुशी लोग मनाता है उस वक्त सड़कों पे चलता है, इसलिए रसूल के आमद का महीना है। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, और आवाज भी माशाल्लाह पहुंच रही है ना आपको साफ साफ। वीको ज्यादा नहीं ना है, वीको ज्यादा वो लोग खड़े हैं बेटा, तो बैठ जाओ कहीं जगह है, बहुत देर तक खड़ा रहना होगा। नहीं आप लोगों को पोसाए पड़ता है, खड़े रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जगह की कुछ कमी है। अब जहाँ जहाँ अगर जगह हो तो सहूलियत हो तो बैठ जा, नहीं है तो जहाँ होता ठीक ठाक हो। आजकल तो लोग जलसे के अंदर नहीं घुसना चाहता है, बहुत आदमी इसलिए नहीं घुसता है जलसे के अंदर में, मस्जिद में जलसा कर दीजिए, मस्जिद के अंदर सिर्फ 13 गो रहेगा, 3 गो मौलाना, 3 गो नमाजी, 3 गो बुतरू गिदर, 3 गो बूढ़ू।
नौजवान लोग पेशाब करके पानी थोड़ो लेता है। बाप रे बाप, पेशाब करके पानी लेना, अरे माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? रफीकुल अंसारी। बड़ा सुहाना, सुंदर, ब्यूटीफुल, भालो, खूबसूरत नाम है। कहिए सुभान अल्लाह। फुसले फुसले ले ले गिर। नबी की बारगाह में बीबी फातिमा पहुंचती, अर्ज करती है, या बाबा जान, आपका इनात के रसूल है, माशाल्लाह, आप रहमतुल आलमीन है, आप गैब की खबर जानने वाले आका हैं, कब्र की बातों को भी जानते हैं, हश्र की बातों को भी जानते हैं, या रसूल पाक, दुनिया में जो जो गुनहगार है वो भी आपको पता है, जो नेककार है वो भी आपको खबर है, या रसूल अल्लाह, जब आप सब कुछ जानते हैं तो ये भी आपको पता होगा कि दुनिया में तमाम औरतों में सबसे पहले कौन औरत है जो जन्नत में जाएगी। गौर कीजिएगा माँ बाने, कौन फरमाई? बीवी फातिमा कहती है, बाबा जान, बीवी फातिमा कौन है? नबी की प्यारी बेटी, लाडली दुलारी बेटी। नबी की बेटी कहती है, बाबा जान, अपने बाबा से यानी रसूल पाक से, या रसूल अल्लाह, तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कौन सी औरत जाएगी? आका फरमाते, बेटी सुनो सुनो, मदीने के आखिरी सरहद पे एक गरीब की झोपड़ी है, जिनका शोहर खजूर के पत्तों को काट के घर को, मकान को बनाया है, लकड़ी का दरवाजा बनाया है, उसके अंदर एक औरत रहती है, गरीब की बीवी है, शोहर जंगल जाता है, उसी लकड़ी काट के बाजार में बेचता है, तब राशन पानी घर में लाता है, तब बाल बच्चे खाते हैं। ए बेटी फातिमा, सुनो सुनो, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा बीबी चुप है, खामोश है, चुपचाप नबी की बेटी खड़ी है। आका फरमाते, बेटी कुछ सोच रही हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रही हूँ, आखिर वो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा से जाएगी, किस मामले में जाएगी, नेकियां कितनी होगी। आका फरमाते, बेटी फातिमा, क्या तुम चाहती हो उस लकड़हारे की बीवी से मुलाकात करने के लिए? कहा, हाँ बाबा, मुझे ख्वाहिश हो गई है कि मैं उस औरत को देखूंगी, जो औरत तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के दरवाजे के करीब जाती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा, मैं लकड़हारा की बीवी हूँ, अंदर में आप कौन है? कहा, मैं नबी की बेटी फातिमा जारा, बाहर में हूँ। ए लकड़हारे की बीवी, तू दरवाजा खोल, मैं तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, कुछ बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है, ए फातिमा जहरा, ए हसन हुसैन की माँ, ए अली की बीवी, ए फातिमा जहरा, आपका मेरा घर आना मुबारक हो, मेरा घर आना मुझे खुशी है, आप मेरे घर आ गए, झोपड़ी में चार चांद लग गया, रहमत की बारिश हो गई, लेकिन फातिमा माफ करना, हम दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरा शोहर जंगल लकड़ी काटने चला गया, जब मेरा शोहर जंगल से आएगा हम इजाजत लेंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। ए फातिमा, अरे माशाल्लाह, लेडीज की तरफ से ना, अरे माशाल्लाह, ए फातिमा, आज तू वापस घर चली जा, मैं शोहर के इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकती। नबी की बेटी गई है लकड़हारा बीबी से भेंट करने, मुलाकात करने। रसूल ने कहा कि वो जन्नती होगी, तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी, वो मदीने में वो लकड़हारे की बीवी है, जो उसके शोहर लकड़ी काटता है, उसी की बीवी पहले जन्नत जाएगी। तो बीवी फातिमा ने सोची कि जब पहले जन्नत जाएगी तो उनसे भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो नबी की बेटी गई है, गौर से सुनिएगा माँ बहने, नबी की बेटी गई है, फातिमा जहरा गई है, लकड़हारे के दरवाजे पे दस्तक देती है,
अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना, हम मेरे शोहर इजाजत नहीं दिया, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। गौर करो, लकड़हारे की बीवी बगैर इजाजत से दरवाजा नहीं खोलती। अरे हम लोग को कभी दरवाजा बने नहीं रहता, खुलेगा क्या? खुल ले रहता है। औरतें आजकल हम लोग समाज में देखिएगा, दो गो औरत वहां बैठेगी, पांच गो यहाँ, छह गो वहां, बहू सब खाना पका रही है, दो चार गो सास सब बैठ के चुगली बोरा लेके बैठा, दीदी चुगली ले भाव की बोरा ले जाओ, बैठ दिया गाँव चुगली बोरा लेके बैठा है, यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ सास सब दूध के धोवल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बाजा भी ठीक ठाक बज रहा है माशाल्लाह। मैं थका हूं उसका एहसास नहीं। आप सुनिए, नबी की बेटी फातिमा वापस आती है, आका फरमाते बेटी क्या हुआ? आका बाबा मैं तो गई थी फजर की नमाज पढ़ के, पूरे बदन को कपड़े से ढक लिया था, दरवाजे पे जाके लकड़हारे के घर में दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, फातिमा मैं माफ करना, मैं दरवाजा खोल नहीं सकती, आज मेरा शोहर नहीं है, जंगल लकड़ी काटने गया है, शोहर इजाजत देगा तब दरवाजा खोलेंगे, फातिमा तू वापस चली जा, कल आना। गौर करो, जो नबी की बेटी तमाम जन्नती औरतों का सरदार है, गौर कीजिएगा। माँ बने आप थोड़ी देर सुकून के साथ सुन ले, आप लोग भी चुपचाप सुने। वापस चले गई फातिमा, आका फरमाते बेटी कल जाना दरवाजा जरूर खोलेगी। क्या कहा? कल जाना दरवाजा जरूर खोलेगी। कहिए सुभान अल्लाह, आई मतलब कहिए मचल के सुभान अल्लाह। क्या कहा? दरवाजा जरूर खोलेगी। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के फिर जाने लगी लकड़हारे की बीवी से मुलाकात करने। उस दिन इमाम हुसैन ने देखा, मेरी माँ कहाँ जा रही है? बच्चा छोटा होता है, ये बच्चों की फितरत होती है, माँ जाने लगती है, बच्चा साथ होने की कोशिश करता है। आज वही इमाम हुसैन ने किया, अपनी माँ फातिमा के साथ चलने लगे। बीवी फातिमा ने गोद में उठा ली, उठा कर लकड़हारे के घर के करीब गए, दरवाजे पे दस्तक दे दिया, अंदर से आवाज आई, कौन का? मैं फातिमा हूँ, कल आई थी, तुमने आज बुलाई है। का फातिमा ठीक है, लेकिन बोलो तुम अकेले हो या कोई साथ है? का मैं अकेली हूँ, कोई साथ नहीं है, मेरा बेटा हुसैन नहीं माना, जिद कर गया, मैं गोद में उठा के ले आई। अंदर से आवाज आती है, फातिमा आज भी माफ करना, मैं सिर्फ आपकी इजाजत शोहर से मांगी थी, आपका बेटा हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी, आप वापस चले जाएं, मेरा शोहर आएगा, हुसैन की इजाजत लेंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। तीसरे दिन भी आने लगी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के, तब तक लकड़हारे की बीवी ने इजाजत ले लिया था कि फातिमा उसके बेटे हुसैन आएंगे तो कल दरवाजा खोल देना। लेकिन तीसरे दिन जब फातिमा बीवी आने लगी, आज इमाम हुसैन हमके साथ हसन भी हो गया, अब दरवाजे पे आए, दस्तक दिया, आवाज आई, कौन? का मैं फातिमा हूँ, दो दिन से आ रही हूँ, आज तीसरा दिन हो गया है, तुमने दरवाजा खोलने का वादा किया है। यार फातिमा इसलिए जा रही थी कि देखेंगे वो जन्नती कैसे होगी, वो जन्नत में कैसे जाएगी। आका ने कहा है तो हक कहा है, आका ने कहा तो सच कहा है। पहाड़ हिल सकता है, समंदर फट सकता है, जमीन हिल सकती है, आसमान गिर सकता है, लेकिन रसूल पाक के फरमान तब्दील नहीं हो सकता। कहा के फातिमा माफ करना, आज भी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर जो था ना, मैंने इजाजत जो ली ना, वो तेरा लिया था, तेरा बेटा हुसैन का लिया था, बेटा तेरा हसन भी साथ में आ गया, हम नहीं खोलेंगे। फिर नबी की बेटी वापस चली गई, लकड़हारा घर आया, कहा बीवी फातिमा बीवी आई थी? कहाँ आई थी और घूम के चली गई? कहा दरवाजा खोली थी? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि आपने इजाजत दिया था फातिमा और उसके बेटे हुसैन को, लेकिन उसका बेटा भी हसन साथ में आ गया था। तब लकड़हारा जोश में आया, कहे बीबी सुन, कल अगर नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल दे। चौथे दिन आए नबी की बेटी फातिमा,
जब आए दरवाजा खोल दिया, फातिमा अंदर घुसी, देखा या अल्लाह जन्नत जाएगी कैसे जाएगी, ये सब चीजें देख रही थी। अब जब तक फातिमा बीबी लकड़हारे के घर में रही, लकड़हारे की बीवी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, कुरान पढ़ते नहीं देखा, तस्बीह में नहीं देखा, तलावत में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, कयाम में नहीं देखा। नबी की बेटी फातिमा सोच रही, या अल्लाह तमाम दुनिया की औरतों में जब सबसे पहले जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी, नमाज पढ़ते मैंने नहीं देखी, तलावत नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तो जन्नत कैसे जाएगी, यही सोच रही थी भी फातिमा का। ये सुभान माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। थोड़ी देर और बोल दें, कहिए सुभान अल्लाह। तकरीर जब करने लगता तो लोग थोड़ा सा सुकून हो जाता है। झारखंडी को लोग तकरीर करने देता ही नहीं। ये वाकया जो मैं बयान कर रहा हूं ना, मैं 3 दिन पहले रांची में बयान किया था हजरत, पूरा मजमा सन्नाटा हो गया था। लोग चाहता है कि इधर उधर की बात सुने। मैं तकरीर इतनी जान कर सकता हूँ कि आपको एक मौजू पे पूरी रात भर तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन ये होता है कि जब बोलने पे आते हैं तो लोग इधर से उधर होने लगता है। अरे लड़का लोग क्या तकरीर सुनेगा, ये बचपन सब सामने बैठ जाता है, बड़ा बड़ा चेहरा सामने रहता है ना, बड़ा देखने में, बड़ा तकरीर करने में मजा हम लोग को लगता है। अब हम लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं, चूंकि बुलाए हैं तो बोलना पड़ेगा भैया। अच्छा, ये सब बच्चा सब, अब बड़ा बड़ा औदी वहाँ बांसक झूर रोट पकौड़ी चूप घूप चूप चूप चूप। आजकल घूप चूप का दौर चला, माँ को जिंदगी में बेटा पेगो फुलरियो चोगो पकौड़ी ला के नहीं देगा, और बीवी को है घूप चूप चूपे चूप। आजकल एकदम छोला भटोरा चला है, चिकन चिल्ली। अरे बाप, पहले के बहू बेटी से बेचारी गुलगुल्ला भी नहीं देखती थी, आजकल गुप चुप चुपे चुप। ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ नौजवान सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहन ने 2-4 बातें आप सुन लीजिए, बढ़िया आप सुन रहे हैं, और जब भी आइए जलसों में तो कुछ सुनिए और सीखिएगा। औरतें आज नहीं, औरतें आज अगर घर में इस्लामी तरीके पर न रहने की वजह से आज मुसलमान परेशान है। अगर बहू बेटियां सिर्फ नमाजी घर में बन जाए, अगर घर की बहू बेटी सिर्फ नमाजी बन जाए ना, तो शोहर की कमाई में बरकत होगी। आज तुम रोना रोती, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा शोहर जुआ खेलता है, और शर्म होनी चाहिए उस नौजवानों को जो मुसलमान के गांव में रह के धर्म इस्लाम को मान के नबी के कलमा पढ़ने वाला, जुमा पढ़ने वाला, ईद बकरीद पढ़ने वाला, अपने नाम के साथ मोहम्मद जोड़ने वाला, अपने नाम के साथ रहमान जोड़ने वाला, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, ताश की पत्ती रख खेलते हो, शराब हया शर्म नहीं है? मत जलसा कराना कभी, ताश की पत्ती खेलोगे झारखंडी को मत बुलाना, आपके गाँव का मोहताज झारखंडी नहीं है, इसे याद रखना। मैं हक बोल के जाता हूं, तो मुझे बोला या मत बोला मुझे कोई फिक्र नहीं है भैया। आप कहोगे कि झारखंडी साहब चापलूसी करके जन्नती मुसलमान हम नहीं कर सकते, हम खुद जन्नत जाएंगे उसको सोच रहे हैं। आजकल एक दुगो बोला ना, आपने जन्नती मुसलमान वो फूल के आसमान नमाज पढ़ेगा बोतले लेके सोते, जन्नती हम कैसे कह दें आपको भाई? इसलिए आप चूहा और शराब से जुआ खेलते हो, तुम खेलते हो, तेरा बेटा कल खेलेगा, परसों उनका बेटा खेलेगा। कमेटी गांव में सदस्य गणमान व्यक्तियों से गुजारिश है, भद्र मानुष प्रतिष्ठा मानुष उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पर नजर रखिए, कोई अगल बगल ताश खेले उसको जाके वहां से भागो, जाके एकदम उधर चले जाओ, गाँव मोहल्ले में मत खेलना। जुआ खेलते हो, मुंह का चेहरा देख, चेहरा देखता नक्शा लगता है एकदम फागुन महीना है, चेहरे का रंग चला गया है, 3 गो 5 गो पुड़िया लेके बैठा ताश के पति, पुड़िया खत्म, पैसा हजम, अब घर आया बीवी कुछ कहती है, बोल मोरबो मुंह भस के दो, बीवी कहेगा मोरबो देखबे होता है ना, सब हर के चला गया। अब बीवी कुछ कहती है, बोल साबुन ना हो देखबे, यहाँ नौजवान नहीं बेचारा सब, यहाँ सब दूध के धोवल है, घी में छांकल है। कहिए सुभान अल्लाह,
तो मेरी माँ बहने, आपका शोहर अगर शराबी हो तो आंचल उठाना, दुआ करना, रोना, कसम खुदा की दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती।